हेलो एवरीवन, आई एम गगनदीप कौर। अज आप जी अपनी पंजाबी की जी फर्स्ट किफ्त है वह रीड करांगे। माँ बोली पंजाबी, तो जिमें अपनी माँ बोली पंजाबी हूँ जी किफ्त के नाम से ही पता लगता जी किफ्त कि बारे हैगी, माँ बोली पंजाबी बारे हैगी। तो अपनी पंजाबी भाषा बारे दस्या हुआ, वो महत्ता दसी हुई हैगी कि इस तरह जे पंजाबी जे साहित्यकार हुए या लेख हुए उन्होंने पंजाबी बोली में अपनी रचना करके उन्होंने की है जग में की है मान दवाया, तो किस तरह उन्होंने भी इस बोली राही की है जे जग में अपना की है नाम प्राप्त किया, तो प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो हम इस किफ्त राही कवि की पंजाबी बोली की है महिमा दसदा, वो की है बड़ियाई करता है। आप फस्ट पोइम रीड करते हैं अपनी, जिमें फस्ट लाइन है, माँ बोली तो सदके जाइए इसकी महिमा सदा ही गाइए। तो कवि की कहना, कहना असं की कास तो सदके जाने करवान जाने, सदके जाना होंगे करवान जाना, कहना माँ बोली तो की है सदके जाने हैं, तो यदि महिमा महिमा होंगे बड़ियाई करनी किसी चीज की, तो यदि महिमा असं सदा ही गाँवते हाँ, यदि तरीफ असी सदा ही करते हाँ। माँ बोली नू करिए प्यार, माँ वांगू करिए सत्कार। तो अगे कवि की कहना सानू की करना चाहिए, जी अपनी माँ बोली पंजाबी है उन्होंने की है माँ वांगू ही प्यार करना चाहिए, जिस तरह असं अपनी माता नाल प्यार करते हैं उसी तरह ही सानू की है पंजाबी बोली नाल प्यार करना चाहिए, तो माँ वांगू ही पंजाबी बोली का सत्कार करना चाहिए, भी माँ बोली नू की है अपनी माँ वांग की है सत्कार देना चाहिए, वो इज्जत करनी चाहिए है। अगे है अपना नैक्सट पैराग्राफ, ये कवि की कहना कहना इसका अखर अखर सीखिए शब्द शब्द पढ़ सुंदर लिखिए। तो कवि की कहना सानू अपनी माँ बोली पंजाबी का की है एक एक अखर सीखना चाहिए है, तो शब्द शब्द पढ़ के सुंदर लिखिए, तो ये शब्द शब्द को पढ़ के की है सुंदर रचना लिखनी चाहिए है। इस विच बचपन मौजा माणे माँ की ममता कोई ना जाने। तो कवि की कहना जी साड़ी माँ बोली पंजाबी विच ही की है असी अपना बचपन माणते हाँ, कहना जो बचपन मौजा होंगे जो खुशियां वो कल इंजॉय करते हैं अपनी पंजाबी माँ बोली च। माँ की ममता कोई ना जाने, कहना माँ की ममता माँ के प्यार कोई नहीं जानता, क्योंकि जी असं अपनी माँ बोली है वह कितों सीखते हैं अपनी माँ को ही सीखते हैं, कहते ये सानू की है विरसे ही प्राप्त होंगी है। इस तरह जी सू माँ बोली तो ही जी माँ की ममता प्राप्त होंगी है, माँ बोली राही की है माँ की जी सू माँ प्यार करती है ममता दिंदी है। ये करती सुपने सरकार इस विच साडा सभ्याचार, तो इस तरह की जी सा माँ बोली पंजाबी वो साढ़े की सुपने सकार करती है, सकार करना होंगे क्या किसी चीज न पूरा करना, कहते ये की है साडा सभ्याचार है, तो जी सा माँ बोली पंजाबी ये ही साडा सभ्याचार की लुकया हुआ या सांभ्या हुआ है, क्योंकि जो सा सभ्याचार होंगे क्या साडा रहन सहन रस्म रिवाज पहरावा साढ़े जेडे लोग गीत ठीक है साढ़े खुशी गमी के भाव सारे वो की है सभ्याचार, ये सारे साडे की है पंजाबी माँ बोली विच ही सांभे हुए हैं। फरीद नानक भगत की वाणी वार शाह लिखी प्रीत कहानी, तो अगे कवि की है अलग अलग राइटर बारे लेखकों बारे दसदा कहना कि जिन्होंने की अपनी माँ बोली राही की है अपनी रचना की है, कहते फरीद बाबा फरीद जी के श्री गुरु नानक देव जी नानक श्री गुरु नानक देव जी ने कहा गया है, कहते इन्होंने भगत ने की सी जी बाणी की रचना कहदे विच कीती सी माँ बोली पंजाबी विच कीती सी, इस तरह की है माँ बोली पंजाबी विच उन्होंने रचना करके जी माँ बोली पंजाबी नूं की है सदा लई की है अमर कीता है। वारशाह लिखी प्रीत कहानी, तो इस तरह जिहड़ा अपना कवि वारशाह सी उन्हें भी की सी जिहड़ी अपनी प्रीत किस्सा लिखा सी प्रीत कहानी वह भी काश लिखी सी माँ बोली पंजाबी विच ही लिखी सी, ते पंजाबी माँ बोली विच उन्हें एक किस्सा लिख के की प्रसिद्धि प्राप्त की सी। सूफी किस्साकारां दी ये बोली लिखतां विच जिन्ना मिश्री बोली, कहिंदे जिहड़े सूफी कवि होए जां किस्साकार होए उन्हां दी की है बोली है, क्योंकि इस बोली राही की उन्होंने अपनी रचना की सी, ते रचना करके उन्होंने किसी प्रसिद्धि प्राप्त की सी। लिखतां विच जिन्ना मिश्री घोली, ते इस तरह की सी उन्होंने अपने लिखतां विच की माँ बोली राही मतलब ये रचना करके उन्होंने की सी माँ बोली विच मिश्री घोली है भाव की है बोली नूं मिठी बनाया गा। अगे कवि की कहना कहना अमृता मोहन सिंह किरपा दे तारे, अगे की कवि कहना कहना अमृता प्रीतम के जेडे प्रोफेसर मोहन सिंह है उन्होंने की सी अपनी जी रचना की है वो पंजाबी भाषा में लिखी है माँ बोली में लिखी है, तो कहदे तारे है किरपा दे तारे, क्योंकि जी उन्होंने बहुत सारिया रचनावां की है किरपा के रूप में ही लिखिया गई हैं, तो इस तरह की उन्होंने की सी पंजाबी बोली में की है मान दवाया गा। शिव पात्र सभना नूं प्यारी, तो इस तरह की है कहने शिव कुमार बटालवी के जेडे सुरजीत पात्र है वह की है सब नूं चंगे लगते हैं उन्होंने रचनावां की है सब नूं
ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਚਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਵੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਰੀਸਾਂ ਤਾਂ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਣ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।